हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजू नीटिंग चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए आज आपके लिए कितना प्यारा सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है, बनाना इसे उतना ही आसान है। फ्रेंड्स, ये सीधी साइड से ऐसे नज़र आ रहा है और ये देखिए बैक साइड से ये ऐसे नज़र आएगा। इसको बनाने के लिए जो हमें फंदे लेने होंगे, आप 8 के मल्टीपल से फंदे डालेंगे। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक 8, यहाँ से यहाँ तक 8, 8 करके डालते जाएंगे, लास्ट में 8 फंदे एक्स्ट्रा डालेंगे। वो इसलिए क्योंकि तीन तीन फंदे मैंने दोनों साइड पे उल्टे रखे हैं और 2 फंदे एस स्टिच के लिए, 8 फंदे इसके लिए चाहिए। अगर आपने दो दो फंदे साइड पे रखने हैं तो 4 फंदे ये वाले ले ले और 2 फंदे एस स्टिच के लिए 6 फंदे ले ले। मैंने तीन तीन रखे हैं और 2 फंदे एस स्टिच के लिए, इसलिए मैंने 8 फंदे रखे हैं। ये आपकी इच्छा के पे डिपेंड करता है कि आपने 2 रखने हैं कि 3 रखने हैं। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हो, लेडीज़ स्वेटर, जेंट्स हाफ बाजू स्वेटर, फुल बाजू स्वेटर, बच्चों का स्वेटर, फ्रॉक, स्टॉल, मफलर, कुछ भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको आप किसी भी कलर में बना लेंगे। इस डिज़ाइन को हर कलर में ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगेगा। किसी भी कलर में बना लें, लाइट कलर में, डार्क कलर में, किसी भी कलर में बना लेंगे, हर कलर में ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा बोल बोल के बताती जाऊंगी, आप मेरे साथ साथ बनाएंगे तो बिल्कुल आसानी से बनेगा। फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, जब भी कोई डिज़ाइन बताती हूँ पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा बोल बोल के बताऊँ, बिल्कुल आराम से बोल के बताती हूँ, ताकि आपको डिज़ाइन बनाते समय कोई भी परेशानी ना आए, बिल्कुल आसानी से आप उस डिज़ाइन को बना लें। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर किया करें। बेल आइकन फ्रेंड्स ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलो फिर इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप भी 8 फंदे डिज़ाइन के लिए और 8 फंदे साइड पे उल्टे फंदे रखे हैं जो, और एस स्टिच के लिए 24 फंदे ले लें और मेरे साथ साथ बनाएं। मैं पूरा बोल के रिपीट करती जाऊंगी, आप मेरे साथ साथ बनाते जाना तो बिल्कुल आसानी से बनेगा। ये देखिए, मैंने 24 फंदे ले लिए। अब डिज़ाइन की फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला फंदा एस स्टिच सीधा बना लेंगे, सीधा बनाएंगे। फिर तीन फंदे जो मैंने उल्टे रखे हैं साइड पे, तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, बिल्कुल आराम से बताऊंगी मैं। तीन फंदे आप मेरा हाथ चलता हुए देखें, उल्टे फंदे बना लिए तीन। फिर धागा हम पीछे करेंगे, फिर आगे से ये देखिए आगे से 2 का एक करेंगे, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर जाली बनाएंगे, फिर से 2 फंदे सीधे। यहाँ तक हमारा 8 फंदों का एक डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। अब फिर से इसी डिज़ाइन को एक बार और रिपीट करेंगे, आगे से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4। जाली बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे, धागा पीछे करेंगे, फिर 3 फंदे जो हमने एक्स्ट्रा रखे थे उल्टे उल्टे, 3 फंदे हम उल्टा बनाएंगे। दोनों साइड पे 3-3 फंदे उल्टे रखे हैं हमने, धागा पीछे करेंगे, एस स्टिच को सीधा बना लेंगे। ये देखिए उल्टी रो में सारे फंदे फ्रेंड्स हमें उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करने हैं। उल्टी रो में हमेशा ऐसा ही चलेगा, डिज़ाइन हमारा सीधी रो में चलेगा,
और उल्टी रो सारे फंदे हम उल्टा उल्टा बना के ही कंप्लीट करेंगे हर उल्टी रो को। तो पहले इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं डिज़ाइन की थर्ड रो। पहला फंदा स्किप करेंगे धागा अपनी तरफ करके तीन फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे, फिर आगे से दो का एक करेंगे, फिर तीन फंदे सीधे एक दो तीन जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा जाली बनाएंगे, फिर इस फंदे को ये देखिए इस फंदे को बिना बुना निकाल लेंगे, अगला फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर इस फंदे को ऊपर से ड्रॉप कर देंगे, फिर दूसरी बार डिज़ाइन रिपीट हो रहा है। आगे से दो का एक करेंगे, तीन फंदे सीधे एक दो तीन, तीन फंदे सीधे जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा जाली बनाएंगे, फिर इस फंदे को निकाल लेंगे बिना बुने, अगले फंदे को हम सीधा बना लेंगे, इस फंदे को ऊपर से ड्रॉप कर देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, तीन फंदे उल्टे बनाएंगे। ये साइड वाले फंदे फ्रेंड्स उल्टे ही चलेंगे, ये देखिए दोनों रो में उल्टे ही चलेंगे, सीधी साइड से भी उल्टे, उल्टी साइड से भी उल्टे। फोर्थ रो पूरे फंदे उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। फिफ्थ रो पहला फंदा स्किप कर लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके तीन फंदे उल्टे, तीन फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे, फिर आगे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर दो फंदे सीधे एक दो जाली बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा फिर से जाली बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर हम इस फंदे को निकाल लेंगे, अगले फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर इस बिना बुने फंदे को ऊपर से ड्रॉप करेंगे, फिर से दूसरी बार रिपीट करेंगे डिज़ाइन को। आगे से दो का एक करेंगे, फिर दो फंदे सीधे जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा जाली बनाएंगे, फिर से एक फंदा सीधा, फिर इस फंदे को बिना बुना निकाल लेंगे, अगला फंदा सीधा बनाएंगे, फिर इस फंदे को ऊपर से ड्रॉप कर देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, तीन फंदे उल्टे एस स्टिच सीधा निकाल लेंगे। सिक्स रो हमें पूरे फंदे उल्टा उल्टा बनाने हैं फ्रेंड्स। सेवन्थ रो पहला फंदा हम स्किप कर लेंगे, अब तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, आगे से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा जाली बनाएंगे, फिर से एक फंदा सीधा जाली बनाएंगे, फिर दो फंदे सीधे, फिर इस फंदे को बिना बुना निकाल लेंगे, अगले फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर इस फंदे को ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। एक बार फिर से डिज़ाइन को रिपीट करेंगे, आगे से दो का एक करेंगे, एक फंदा सीधा जाली बनाएंगे, फिर से एक फंदा सीधा जाली बनाएंगे, दो फंदे सीधे, फिर एक फंदा बिना बुना निकाल लेंगे, अगला फंदा सीधा बनाएंगे, फिर इस फंदे को ऊपर से ड्रॉप कर देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, तीन फंदे उल्टे स्टिच सीधा निकालेंगे। सेवन्थ रो कंप्लीट। एट्थ रो पूरे फंदे हम उल्टा उल्टा बनाएंगे फ्रेंड्स। नाइन्थ रो में पहला फंदा स्किप कर लेंगे, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, आगे की तरफ से दो का एक करेंगे, जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा जाली बनाएंगे,
फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर इस फंदे को बिना बुना निकाल लेंगे, अगला फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर इस बिना बुने फंदे को ऊपर से ड्रॉप कर देंगे, फिर से डिज़ाइन को रिपीट करेंगे, आगे की तरफ से दो का एक करेंगे, जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा जाली बनाएंगे, तीन फंदे सीधे, फिर इस फंदे को निकाल लेंगे, अगला फंदा सीधा बनाएंगे, बिना बुने फंदे को ऊपर से ड्रॉप कर देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे, स्टिच सीधा, नाइन्थ रो कंप्लीट, टेंथ रो पूरे फंदे उल्टा उल्टा बनाएंगे। फ्रेंड्स इलेवंथ रो पहला फंदा स्किप कर लेंगे, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे, अब दो फंदे सीधे, एक दो, जाली बनाएंगे, फिर चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, चार बना के फिर से हम एक फंदा निकालेंगे बिना बुना, अगला फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर ऊपर से हम ड्रॉप कर देंगे, फिर से रिपीट करेंगे इसी डिज़ाइन को, दो फंदे सीधे, जाली बनाएंगे, फिर चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, फिर इस फंदे को निकाल लेंगे, अगले फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर इस बिना बुने फंदे को ऊपर से ड्रॉप कर देंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, तीन फंदे उल्टे, स्टिच सीधा निकाल लेंगे, 12 रो पूरे फंदे उल्टा उल्टा बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक हमारा एक डिज़ाइन पूरा बनके कंप्लीट हुआ। अब फिर से हम यहाँ से फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे। आपको मैं फर्स्ट रो फिर से बना के बता देती हूँ कैसे स्टार्ट करना है। आपने पहला फंदा स्किप कर लेंगे, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे कर लेंगे, आगे की तरफ से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर से जाली बनाएंगे, फिर एक फंदा बिना बुना निकालेंगे, अगला फंदा सीधा बनाएंगे, फिर ऊपर से इसे ड्रॉप कर देंगे, फिर से इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे, आगे से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा जाली बनाएंगे, फिर इस फंदे को बिना बुना निकालेंगे, अगला फंदा सीधा बनाएंगे, इस फंदे को ऊपर से ड्रॉप कर देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, तीन फंदे उल्टे, स्टिच सीधा निकालेंगे। ये देखिए ये डिज़ाइन की फिर से मैंने फर्स्ट रो से स्टार्ट कैसे करना है आपको बता दिया। फिर आगे ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे। 12 रो का डिज़ाइन ऐसे ही बनता जाएगा। आप इसे जब पूरे प्रोजेक्ट पे डालोगे तो ये ऐसे बन के आएगा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे बन के आएगा। यहाँ पे हमारी पांच जालियाँ बन जाएंगी, पांच जालियाँ बन जाएंगी तो आपका डिज़ाइन ठीक चलता जाएगा। ये देखिए इसे बना के ज़रूर ट्राई करना और मेरे चैनल को फ्रेंड्स ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर योर टाइम। आगे मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ।